सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम ट्राई करेंगे बॉम्बे सैंडविच, मतलब बॉम्बे में जिस तरीके से सैंडविच बनाया जाता है उस तरीके का सैंडविच। और हम फिर से आ गए हैं आज बड़ा बाजार में। तो आइए गाइस, देखते हैं, ये सामने हमारा है दुकान और देखते हैं कैसा यहाँ पे बनता है। बॉम्बे स्टाइल का बन रहा है ना अंकल? हाँ, बॉम्बे सैंडविच। बॉम्बे में ऐसे ही बनाया जाता है? बॉम्बे हम गए ही नहीं थे, हमको कहाँ मालूम है कि कैसे बनता है। आप बोले ये आइटम बॉम्बे का। अच्छा अच्छा, हम लोग एक टोस्ट सैंडविच कर दिए। ठीक है, कुछ बोल रहे थे आप बॉम्बे? यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे हमारा एक टोस्ट सैंडविच होगा। हाँ, कर देंगे जरूर, दो मिनट। तो गाइस, पहले लगा बटर हमारे सैंडविच ब्रेड के ऊपर। क्या क्या जाएगा थोड़ा बताते रहिएगा। भैया ये आ गया आपका खीरा। ठीक है, आपका एक टोस्ट था ना? हाँ ये क्या भैया? ये आ गया आपका ओनियन, ये आलू मसाला, आलू का स्टफिंग है। ये अलग से आप लोग बना के रखते हैं ना? हाँ, ये भी आलू मसाला। तो गाइस, ये आलू मसाला। टमाटर टमाटर एक प्लेट और चटनी दे तो भाई। इधर देना है। आइए भैया, पनीर की मिर्च। बस ये हो गया स्टफिंग ना? हाँ, ठीक है। तेजी रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा तेल लगाते हैं। अच्छा, करिए ना, अपने ही है। नॉर्मल टोस्टर से तो अलग टेस्ट होता होगा अंकल? नॉर्मल ये सैंडविच अलग ही टेस्ट है, सब अलग ही टेस्ट है ना पूरा। ठीक है ना? तो गाइस, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टोस्ट हो रहा है। तो गाइस, पहले हमने कभी भी ऐसा सैंडविच ट्राई नहीं किया है लाइफ में, फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा सैंडविच जो इस तरीके से टोस्ट हो रहा है। और इनको मैंने बहुत बार यूट्यूब में ऑलरेडी देखा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑलरेडी वीडियो है आपका यूट्यूब में? बहुत सारा। हाँ, कितना देर लगता है भैया ये? एक दो सेकंड में हो जाएगा मैक्सिमम, एक डेढ़ मिनट में। वो बन गया हमारा टोस्ट सैंडविच। तो गाइस, मैक्सिमम एक मिनट लगा और हमारा सैंडविच हो गया रेडी। तो टेस्ट करते हैं कैसा है, देखते हैं, बताते हैं। तो गाइस, ये तीन टाइप का चटनी है, क्या क्या है अंकल? हरा चटनी है, लहसुन चटनी है, टमाटर का मीठा। तो ये लहसुन चटनी है, ये टमाटर, ये टमाटर का चटनी है, और ये धनिया पुदीना, धनिया पुदीना। तो ये गाइस, यहाँ रखो, यहाँ रख। तो गाइस, तीन रकम का चटनी है और ये हमारा सैंडविच बन के हो गया रेडी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। गाइस, टेस्ट करने वाले हम लोग।
सो गाइस मीठा चटनी है, लहसुन का चटनी और ग्रीन चटनी है। गाइस क्रिस्पी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा अलग टेस्ट हुआ है, नॉर्मल टोस्टर में ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा टोस्ट हुआ है, बहुत जल्दी भी टोस्ट हो गया है। तो इसका नाम बॉम्बे सैंडविच इसलिए क्योंकि बॉम्बे में इस तरीके से सैंडविच बनता है। तो अगर आप बॉम्बे से हैं और आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो बताइए वहाँ पर इस तरीके से मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ पहले। तो गाइस इसके अंदर आलू आप देख सकते हैं, खीरा, प्याज और ये आलू का स्टफिंग, और यहाँ तीन तरीके का चटनी भी है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और बताओ कैलकाटा में, अगर आप कैलकाटा से हो तो हम लोग और क्या ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में।